तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बड़ा मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम लोग जाने वाले हैं मार्केट मोहम्मद अली रोड। हमारी बिटिया तैयार हो रही है, बाल बना रही है। तो आज मेरा बेटा इरफान, मेरी बीवी वाइफ जी और हम जाएंगे मोहम्मद अली रोड कुछ ईद के लिए। ईद के लिए कपड़ा लेना है इनके लिए और बेटे के लिए, और मेरे लिए क्या है, हम लोग तो कुछ भी पहन के नमाज पढ़ा लेंगे। हम लोग पापा हैं, एक्सपीरियंस देखो इसका। हम लोग पापा हैं, हम लोग अच्छे ने भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन लेना तो पड़ेगा। लेकिन बच्चे लोग को नया नया चाहिए। जब हम लोग भी बच्चे थे ना, पापा कहाँ से लाते थे पता नहीं, पर लेके जरूर आते थे। बट चलिए बने रहिए वीडियो में, दृष्ट वाला नज़ारा दिखाते हैं मोहम्मद अली रोड का। 10 बार बाल खोली है, बनाई है ये बिटिया रानी, अभी से यही आदत है। देखो यार इसका अम्मी का भी यही आदत है, बेटी का भी यही आदत है। देखो क्या बोला जा रहा, हम लोग खाली टी शर्ट पहनो, मुंह में पानी भी मत मारो, चलो मार्केट, क्योंकि हम लौंडे हैं, लड़के हैं, पर लड़की लोग का सवरना सजना और छोटे से ये फितरत होती है लड़कियों को सजना सवरना। देखो ना मेरी परी, पापा की परी आ गई मेरी वाइफ जी। अपने पत्नी जी, अपने बेटा बेटी के साथ हम निकल चुके हैं मोहम्मद अली रोड, और सबसे पहला हम अपने लिए बेल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कमर में पैंट नहीं रुक रहा है, हम बहुत पतला दुबला हो गए हैं। और ये है बेल्ट का दुकान, देखते हैं गजब ज़बरदस्त वाला नज़ारा। ये देखिए बेल्ट, पर्स सब मिल जाएगा, मोहम्मद अली रोड रमज़ान का स्पेशल मार्केट है। अरे बाबू, हम ही तो दिखाएंगे मुंबई को, दो चैनल वा सब्सक्राइब कर लो। हाँ, ये है मोहम्मद अली रोड। बहुत गर्दी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्दी है, बहुत तो बोले रमज़ान है यार। ये देखो यहाँ पे शर्ट वगैरह, शेरवानी वगैरह, मतलब आज का रात पूरा एकदम देख रहे हो, कच्चम कच ठसम ठस ट्रैफिक है भैया, एकदम पक्कम पक। देखिए मेरा बीवी बेटी को लेके चल रही है यार, ये तो कपड़ा भी नहीं चेंज किए मेरा बीवी, जैसे थी वैसे ही आ गई। जाने दो भाई, क्या करें, हम लोग ऐसे ही हैं। हाँ तो बने रहिए वीडियो में। ये देखिए एकदम, मतलब चलेंगे कहाँ, मोहम्मद अली रोड पूरा जाम है, लगता है पूरा मुंबई का आदमी यहीं है। ये देखिए चूड़ी मार्केट में, कपड़ा मार्केट, चप्पल मार्केट, जूता मार्केट, जिधर भी जाइए पूरा ट्रैफिक एकदम, मतलब ईद तो मुंबई में हो रहा है भाई, ईद मुंबई में हो रहा है। हम लोग छोटे थे ना, एक चड्डी एक पैंट पापा ला के दे देते थे, हो जाता था। आज हमारे बच्चे फरमाइश कर रहे हैं, और हम अपने पापा को मिस यू पापा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह, नकाब बोलता है, और यहाँ नकाब वगैरह मिल रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए नकाब वगैरह, मतलब ये मुंबई का सबसे बड़ा मार्केट तो नहीं कह सकते, मगर मुंबई का सबसे फेमस मार्केट कह सकते हैं मोहम्मद अली रोड। ये देखिए चारों तरफ, मतलब मेरा काम ही है वीडियो। आंटी जी ना मुस्कुराएं। ये देखिए चप्पल वगैरह यार, कभी फुर्सत मिले ना दोस्तों तो रमज़ान में मुंबई आ जाना मोहम्मद अली रोड घूमने के वास्ते, तो पता चलेगा कि मुंबई किसे कहते हैं, इसे मुंबई कहते हैं। और मुंबई नाइट ब्लॉग वीडियो हम नहीं, कोई और भी दिखाते हैं, मगर अवजवा हमारे जैसा कोई नहीं निकालेगा भैया। यहाँ से हमारे लइकिया के कपड़ा देख रहा है, लेकिन ना ही मिला था भैया, यहाँ से 50 गो दुकान में घूम चुके हैं भैया, हमारी लड़की कपड़ा वापस ना ही करत है यार, का करल जाए। ये दुकनवा से देखो, अभी बेटा वो दिखा रहा है, बेटी वो दिखा रही, लेकिन पसंद तो कर ले मेरे भाई, मेरे बेटा मेरे बेटे, नहीं पसंद नहीं करना है, पापा को परेशान करना है, का करें यार। जब हम लोग छोटे थे तो पापा को, पापा ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, आज हमें कहते हैं ये बात। वक्त बदल गई, जज्बात बदल गई, देखते हो मुंबई का दुकान, देखो ऊपर में है कपड़ा का दुकान है, ये है नाखोदा मोहल्ला। मोहम्मद अली रोड में बहुत सारी गली हैं, अभी हम लोग नाखोदा मोहल्ला के एरिया में हैं, तो आप लोग मतलब बहुत सारे हैं, मस्जिद बंदर वगैरह, ये पूरा रोड में ही कपड़ा का दुकान लगे हुए हैं, लच्छा सवाई जूता चप्पल यही सब का दुकान, क्योंकि ईद
बहुत स्पेशल त्यौहार होते हैं। तो दोस्तों मित्रों, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट भाषा में समझ गए होंगे कि मुंबई का ऑलमोस्ट सबसे फेमस मार्केट मोहम्मद अली रोड में लगता है, नाखुदा मोहल्ला, जहां लड़का बच्चे बूढ़ा सबके लिए कपड़ा अवेलेबल है और अच्छे है, और सस्ता दाम में भी है, महंगा दाम में भी है, लेकिन बात ऐसा है आपको लूट लेंगे। और यहाँ चोर इतना रहते हैं कि आपको पलक झपकते मोबाइल गायब, पर्स गायब। तो यहाँ आए तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि भैया ये मुंबई है। अब मुंबई किसी का बाप का नहीं है, मुंबई जिसको मौका मिला वो चौका छक्का मार के निकल जाता है। तो आप मौका ना दें, सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन मोहम्मद अली रोड ज़रूर एक बार ना एक बार घूमने आएँ तो आपको लगेगा कि जीवन में कोई कपड़ा मार्केट घूमे हैं, क्योंकि यहाँ पे लूटते हैं दोस्त। 10 का कपड़ा 1000 बोलेंगे, आप कितना कम कर सकते हैं। ये देखिए पूरा कच्चम कच ट्रैफिक है। अब हम वीडियो को दी एंड करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम मोबाइल हाथ में लेके घूम नहीं सकते हैं। बस थोड़ा सा दृष्टि वाला नज़ारा दिखा दिए और दिखा रहे हैं। हम लोग कपड़ा ले चुके हैं बट सब मेरे हाथ में है, हम दिखा नहीं सकते हैं, गधा का जैसा टांगे हुए हैं। रहने दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये है मुंबई का ईदी मार्केट, और आप लोगों को ईद मुबारक मेरे तरफ से, और जितने भी मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त हमें देखते हैं सबको ईद मुबारक और दिल से सलाम। और भाई को इसी तरीके से प्यार सपोर्ट दुलार देते रहिएगा। और हम लोग अब लच्छा समय ले रहे हैं, लच्छा समय लेने के बाद हम लोग घर जाएंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह उठ के डिप्टी जाएंगे, फिर वही एक नई ज़िंदगी जिएंगे, कचकच मचमच वाली। बच्चे तो मेरे दोनों खुश हो गए, दोनों को कपड़ा दिला दिए, पर मेरे लिए कपड़ा नहीं हुआ है, जीन्स हुआ है, और बीवी के लिए भी नहीं हुआ है। बट हमारे इतने कपड़े हैं, हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे। तो हमने बोला जाने दो।